G20 की मेजबानी के लिए नई दिल्ली में नव निर्मित ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। करीब 123 एकड़ में बना प्रगति मैदान ITPO कॉम्प्लेक्स बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए भारत का सबसे बड़ा सेंटर है। इस परिसर ने दुनिया के टॉप 10 प्रदर्शनी और कन्वेंशन परिसर में अपनी जगह बनाई है, जो जर्मनी में हनोवर प्रदर्शनी केंद्र, शंघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर जैसे बड़े नामों को टक्कर देता है। इस कन्वेंशन सेंटर के 3 स्तर मिलाकर 7,000 लोगों के बैठने की बड़ी क्षमता है, जो इसे ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित और भव्य सिडनी ओपेरा हाउस की लगभग 5,500 के बैठने की क्षमता से बड़ा बनाता है। नया ITPO कॉम्प्लेक्स कई शानदार सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें एम्पीथिएटर में 3,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इससे ICC ग्लोबल लेवल पर मेगा कॉन्फ्रेंसेस, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और सांस्कृतिक समारोह की मेजबानी के लिए एक सूटेबल जगह है। गौरतलब है कि प्रगति मैदान नवीनीकरण योजना की शुरुआत जून 2017 में हुई थी। तब यह परियोजना 2 साल में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन डेडलाइन मिस हो गई और ये काम पूरा ना हो पाया। फिर 2020 की डेडलाइन रखी गई, लेकिन कोरोना लॉकडाउन ने इस बार भी पेंच फंसा दिया। इस दौरान 4 हॉल बनकर तैयार हो चुके थे। इस परिसर को नए सिरे से विकसित करने में 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।